स्वागत है आपका अन्नपूर्णा किचन में। आज मैं सिखाऊंगी आपको बेसन की बर्फी, जो त्योहारों में आप इजीली घर पे बना सकती हैं। इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट यूज किए हैं मैंने। कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करें। ये बर्फी देखिए टेक्स्चर इसका, मैं अब एक पीस आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है, टेस्टी बर्फी, शुद्ध घर पे बनाएं, किसी भी त्योहार पे। बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैंने एक पाव बेसन लिया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये चीजें मैं बेसन की बर्फी बनाना सिखाऊंगी आपको। एक पाव बेसन, घी इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा हम वनस्पति, और 150 ग्राम चीनी जो मैंने इस ग्राइंडर में मिक्स कर ली है, पीस ली है, पाउडर बना लिया है इसका। सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट में बेसन की बर्फी त्योहारों में बहुत ही इजी वे से मैं बनाना सिखाऊंगी। वीडियो कृपया शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ में आए। मैंने पैन गैस पर चढ़ा दिया है। हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का हल्का हम चलाए जाएंगे। थोड़ा सा बेसन सबसे पहले हमने ड्राई रोस्ट करना है। घी बहुत ही कम यूज होगा इसमें। मैं वनस्पति घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम हम कम ही रखेंगे। ये देखिए बहुत स्मेल आने लग रही है, अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू। बिल्कुल हमने ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, घी ऐड करेंगे इसमें। मैंने 1.5 चम्मच घी, पहले बड़ा 1.5 चम्मच घी इस्तेमाल किया है इसमें। धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे ताकि गरम बेसन में ये मेल्ट हो जाए। देखिए धीरे धीरे हम घी को बेसन में मिक्स करेंगे। सबसे पहले गैस मैंने अब ऑन कर दिया है, फ्लेम हम मीडियम से लो ही रखेंगे। धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे ताकि जले ना, तो घी अच्छी तरह मेल्ट होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आंच इसमें जाएगी। एक चम्मच में देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, इससे बहुत ही अच्छा आराम आएगा। अब चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं देसी घी, चाहे तो सारा भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए घी पिघल गया है। अब हमने बिल्कुल कम आंच पे इसे ऐसे तो हिलाते हुए अच्छी तरह पकाना है बेसन को, ब्राउन होना करने देना है इसको। देखिए 5 से 10 मिनट हो गया है, घी छोड़ दिया है सारा बेसन में, कलर भी ब्राउन आ चुका है बर्फी का। थोड़ी देर और पकाएंगे हम, इसको ऐसे हिलाते हुए हमने पकाना है ताकि सारा कच्चापन बेसन का निकल जाए। बेसन अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम 150 ग्राम जो पाउडर शुगर थी वो ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम बचा लेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम हम बंद कर देंगे, नीचे उतार लेंगे। धीरे धीरे हम ऐसे चीनी को इसमें मिक्स करते रहेंगे। फ्लेम पर हमने अब नहीं रखना है इसे, बस धीरे धीरे मिक्स कर जाना है, दबा दबा के इसे। ये देखिए चीनी से अच्छी तरह मिक्स हो गया है, ये एक डो की फॉर्म में आ गया है।
थोड़ी देर हम और मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह। एक साइड पे हमने ऑयल से ग्रीस करके प्लेट रख दी है। मुझे थोड़ा कम मीठा पसंद है इसलिए 150 ग्राम में से मैंने थोड़ी सी चीनी बचा ली, और चाहे तो सारी। अब हम इस डॉग को प्लेट में फैला देंगे अच्छी तरह। चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह हम इसे इक्वल कर लेंगे। टैप कर दिया, देखिए टैप करने से ही खुद ब खुद ही हो गया। ये देखिए बिल्कुल लेवल हो गया है। अब हम इसे 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम अपनी बर्फी को शेप देंगे, इस पे कट लगाएंगे। ये देखिए दूसरी साइड भी। क्योंकि हमने वनस्पति घी का इस्तेमाल किया है तो एक बार इसको हम फ्लेम पर प्लेट को जरा घुमा देंगे ताकि इजीली बर्फी के पीस निकल जाए। देखिए फ्लेम ऑन कर दी मैंने और बस हल्का सा मैंने प्लेट को घुमा दिया। ये देखिए कितना फाइन बर्फी के पीस निकल आए हैं। ऐसे ही हम सारी बर्फी के पीसेस प्लेट में से निकाल लेंगे। ये देखिए देखिए कितनी अच्छी बर्फी है। त्योहारों में अपने बच्चों को घर में शुद्ध बर्फी खिलाएं। इसी तरीका बर्फी बनाने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।